हेलो, टुडे आई विल डिस्कस ए न्यूमेरिकल रिगार्डिंग स्टीम टेबल, हाउ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कैलकुलेट द एंथैल्पी entropy and specific volume calculate the enthalpy entropy and specific volume of steam at 10 bar pressure and dryness fraction तो here in this numerical we study that how to calculate the enthalpy, entropy and specific volume of the steam. तो सबसे पहले जो प्रेशर दिया है उसको हम देखेंगे कितना है, दैट इज 10 बार, P इज इक्वल टू 10 बार, ओके। ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो वैल्यू दिया है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.89, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है दैट इज 0.89। अब यहाँ पे टोटल एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। जब भी हम टोटल एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल एंथैल्पी। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है, 0.89 है, तो X इज इक्वल टू हियर 0.89। अब इन द स्टडी वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द वैल्यू ऑफ एचएफ एचएफजी दैट इज टू बी कैलकुलेट बाय रिस्पेक्टिव प्रेशर एंड इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो सपोज करो कि ये 10 बार प्रेशर दिया है तो करस्पोंडिंग 10 बार प्रेशर पे एचएफ की वैल्यू फॉर 10 बार प्रेशर द वैल्यू ऑफ एचएफ ये हम या तो बोलियर डायग्राम से देखेंगे या डायरेक्ट हम स्टीम टेबल से देख के एचएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एचएफ जो है सपोज दैट 2057 किलो जूल पर किलोग्राम, दिस इज द वैल्यू ऑफ एचएफ, ये वैल्यू दिया है। अब उसी के पैरेलल में एचएफजी की वैल्यू जो है वो दिया होगा, दैट इज 2859 द वैल्यू ऑफ एचएफजी। HF की वैल्यू है, HFG की वैल्यू है। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, X इज इक्वल टू 0.89। तो 10 बार प्रेशर और 0.89 ड्राइनेस फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू जो है वो एंथैल्पी की कैलकुलेट करेंगे। तो H की वैल्यू, HF कितना है 2057, ओके। X की वैल्यू क्या है, प्लस 0.89 और HFG की जो वैल्यू है वो है 2859। तो डायरेक्ट व्हेन वी लर्न द फॉर्मूला, चाहे HF की वैल्यू देखना हो, चाहे HFG की देखना हो, चाहे SF की देखना हो, चाहे SFG की देखना हो, तो डायरेक्ट इन द फॉर्मूला वी पुट द वैल्यूज एंड टू कैलकुलेट। तो एंथैल्पी यहाँ से हम जितनी भी कैलकुलेट करेंगे ये टोटल एंथैल्पी हो जाएगी किलो जूल पर किलो ग्राम। तो दिस इज द टोटल एंथैल्पी फॉर स्टीम। सेकंड जो है दैट इज द एंट्रोपी। अब हमें एंट्रोपी को कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। सो ये एंथैल्पी हो गया, डायरेक्ट इन द फॉर्मूला वी पुट ऑल दीज वैल्यूज। सेकंड इज द कैलकुलेट
इनथैल्पी एंट्रोपी। एंट्रोपी का फॉर्मूला जो है एस इज इक्वल टू एस एफ प्लस एक्स एस एफ जी। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। जैसे हमने इनथैल्पी कैलकुलेट किया एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, वैसे ही एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? एस एस एफ की वैल्यू 10 बार में हम देखेंगे स्टीम टेबल में क्या दिया होगा, 6.67 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एस एफ की वैल्यू दिया होगा। एस एफ जी की वैल्यू 8.54 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन एस एफ की वैल्यू हो गई, एस एफ जी की वैल्यू हो गई, और जो ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स है वो 0.89। फिर सिंपल हम फॉर्मूले में रख देंगे 6.67 प्लस एक्स की वैल्यू 0.89 इंटू एस एफ जी 8.54। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंट्रोपी। तो हमने इंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया, एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। इन स्पेसिफिक वॉल्यूम द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू vf प्लस vfg। अगर स्टीम वेट है तो दिस वन इज द vf प्लस x vfg। अब vf की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे स्टीम टेबल से, vf की वैल्यू जनरली जो रहती है वो तो 0 से के नियर अबाउट है 0.0723 मीटर क्यूब पर किलोग्राम vf की वैल्यू। vfg जो है उसकी वैल्यू 0.23 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। अब vf की वैल्यू 0.0023 प्लस x की वैल्यू 0.89 इंटू vfg 0.23। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी हमारी दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो जब भी स्टीम टेबल पे सिंपल हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो पहले स्टीम की क्वालिटी क्या है, आइदर वेट होगी या ड्राई होगी या सुपर हीटेड होगी। वेट स्टीम के केस में जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है उस x को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग दिस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। Now, this is the simple method to calculate the enthalpy, entropy and specific volume. Now, in the next numerical, we discuss about how to calculate the value of enthalpy, entropy and specific volume for dry saturated steam, either superheated steam. So, suppose that the steam at a pressure of 20 bar, the steam at the pressure of 20 bar and its dryness fraction is 0.99. Calculate the enthalpy only. Calculate the enthalpy of the steam. Three cases. Pehla, wet steam. दूसरा फॉर ड्राई स्टीम और तीसरा फॉर सुपरहीटेड स्टीम। सुपरहीटेड स्टीम
कैलकुलेट द इंथैल्पी एंट्रोपी ओनली इंथैल्पी फॉर वेट स्टीम ड्राई स्टीम एंड सुपरहीटेड स्टीम. तो जो वेट स्टीम है पहला फॉर वेट स्टीम द इंथैल्पी फॉर्मूला H इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी. ओके एच एफ की वैल्यू और एच एफ जी की वैल्यू ये दिया है. एच एफ सपोज दैट 2054 किलो जूल पर किलोग्राम और एच एफ जी जो दिया है दैट इज 2857 किलो जूल पर किलोग्राम. अब हम एच एफ की वैल्यू पुट करेंगे 2054. ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना दिया है 0.99 और एच एफ जी कितना दिया है 2857. अगर वेट स्टीम के लिए हमें कैलकुलेट करना है इंथैल्पी तो डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैलकुलेट हियर इंथैल्पी. सेकंड जो केस है फॉर ड्राई स्टीम. नेक्स्ट इज द फॉर ड्राई स्टीम. ड्राई स्टीम के केस में इंथैल्पी का फॉर्मूला है एच एफ प्लस एक्स की वैल्यू वन रख देंगे एच एफ जी एच एफ प्लस एच एफ जी फॉर द केस ऑफ ड्राई स्टीम. अब एच एफ की वैल्यू कितनी होगी 2057 प्लस एच एफ जी. एच एफ जी की वैल्यू है 2857. एच एफ की वैल्यू भी पुट कर दिया एच एफ जी की वैल्यू भी पुट कर दिया इसको हमने सॉल्व कर लिया जो भी वैल्यू आई वो दिस इज द एंथैल्पी फॉर किलो जूल पर किलोग्राम फॉर ड्राई स्टीम. नेक्स्ट जो है व्हेन वी कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर सुपर हीटेड स्टीम के केस में जो हमारा एंथैल्पी है उसका फॉर्मूला हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था H इज इक्वल टू एच एच एफ प्लस एच एफ जी. ये एडिटिव रहेगा क्योंकि वेट स्टीम को हम हीट करते हैं तो वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनती है. ड्राई स्टीम को हम हीट करते हैं देन इट बिकम सुपर हीटेड स्टीम. एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस सी पी एस टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेशन. तो ये जो है that is the case of superheated steam. We calculate here the total enthalpy in the case of superheated steam. So H की value चाहे आप wet steam देखें चाहे superheated steam देखें चाहे dry steam देखें direct हम formula से calculate कर सकते हैं. अब HF और HFG की value दिया है. हमेशा जब भी steam superheated का case होगा तो वहाँ पे जो steam का temperature होगा temperature always be equal or greater than 100 degree centigrade. For the superheated steam, the temperature is equal to the 100 degree centigrade. अब 100 degree centigrade से ज़्यादा जो temperature है, वो superheated steam हो गया. अब उस केस में हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सा steam को हम किस केस में consider करेंगे. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि numerical में ये mention नहीं है कि which type of the steam is to be there. तो अगर dryness fraction दिया है that is for the wet steam. अगर कुछ भी हमें नहीं पता है तो it is generally taken as a dry saturated steam. और अगर temperature दिया है Cp की value दिया है तो superheated temperature और saturation temperature की जो value है वो हम एक temperature दिया होगा जो कि indicate करेगा superheated steam का उसके corresponding हम saturation temperature को calculate करेंगे with the help of steam table. So these are the cases by which we calculate the enthalpy, entropy and specific volume for superheated. हाँ एक चीज और जब भी हम लोग specific volume के term में for the superheated steam की बात करते हैं तो वहाँ पे specific volume की जो value होती है V superheated upon T superheated is equal to V saturation upon T saturation. So by these method we can easily calculate the value of enthalpy, entropy and specific volume for the superheated case. Okay.
फॉर द सुपरहीटेड स्टीम द फॉर्मूला इज एच इज इक्वल टू एच एच प्लस एच एफ जी प्लस सी पी एस टी सुपर हीटेड माइनस टी सेचुरेशन। तो जब भी हम बात करेंगे सुपर हीटेड स्टीम के लिए तो ये फॉर्मूला यूज में आएगा एच एफ एच एफ जी सी पी एस टी सुपर हीटेड माइनस टी सेचुरेशन। दिस वैल्यू एच एफ की वैल्यू जो कि दिया हुआ था, एच एफ जी की वैल्यू, सी पी एस की वैल्यू हम ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। जो वैल्यू दिया है स्टीम टेबल में 2.1 जनरली रहता है, देन टी सुपरहीटेड माइनस टी सैचुरेशन, इसका हम टेम्परेचर स्टीम टेबल से या मोलर डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इन द स्टीम टेबल द टीएस डायग्राम। In this TS diagram, it represent the temperature entropy diagram. ये constant है इस चीज के। अब तीन केस है, dry steam के लिए अलग, wet के लिए अलग, superheated के लिए अलग। ये जो है आपका superheated steam का केस है, ये ऊपर जाएगा। अगर सुपर हीटेड ना होता डायरेक्ट आपका वेट के ड्राई होगा तो यहीं पे आएगा। दिस इज द केस ऑफ सुपर हीटेड। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है, सपोज दैट द प्रोसेस इज 1, 2, 2-3, 4, दिस इज द प्रोसेस। अब यहाँ पे 1 पे जो एंट्रोपी है और पीएस डायग्राम में दिस इज एस एंट्रोपी। So this value here and this value is represent the entropy value. Now generally जो values entropy की अगर हम calculate करें, numbering यहाँ से कर लेते हैं, 1, 2, 2-3, 3-4, यह हमारा TS diagram है। 1, 2, 2-3, 3-4। इस वैल्यू को 1 से 2, जब ये लाइन 1 से 2 जा रही है तो यहाँ पे एंट्रोपी कितनी है, 1 पे भी एंट्रोपी इतनी हो गई, 2 पे भी एंट्रोपी इतनी हो गई। सो द न्यूमेरिकल व्हेन दिस टाइम एंट्रोपी रिमेन्स सेम, S1 इज इक्वल टू S2 इन मेनी न्यूमेरिकल in such that the value of dryness fraction is not to be there, we have to calculate the value of the dryness fraction x. So, us case mein kya hai? The total, suppose that in a numerical, agar total entropy at 10 bar is 6.56 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अगर 10 बार पे जो एंट्रोपी की वैल्यू है दैट इज 6.6 है, 6.56 है। अब द टोटल एंट्रोपी एट 6 बार इज 6.56 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी at exit section at 5 bar. अब केस जो दिया है टोटल एंट्रोपी इनलेट सेक्शन और एग्जिट सेक्शन, सपोज दैट कोई पाइप है, यहां पे आपका ये इनलेट सेक्शन है, दिस वन इज द एग्जिट सेक्शन। तो इनलेट सेक्शन पे कंडीशन दिया है, एग्जिट सेक्शन पे कंडीशन दिया है। इनलेट पे जो वैल्यू है वो क्या है, S1 is equal to S2. अब हम S1 को टोटल एंट्रोपी मान के SG लिख सकते हैं जो कि 6.56. S1 is equal to 6.56. S2 को हम क्या लिखेंगे, SF plus SF2 plus X2 SF
जी टू। यहाँ पे जो 10 बार दिया हुआ था प्रेशर, डायरेक्ट हम चाहे तो यहाँ पे एस जी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो स्टीम सुपर हीटेड या ड्राई होती है वहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन कंसीडर करेंगे क्योंकि फॉर वेट स्टीम हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करना है। तो एक्स टू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। एक्स टू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, 6.56। अब SF2 की वैल्यू, SF की वैल्यू कितना दिया है प्रेशर, 5 बार SF एट 5 बार, 5 बार पे SF की क्या वैल्यू है, SFG की क्या वैल्यू है 5 बार पे। तो सपोज दैट 5 बार पे SF की वैल्यू है 6.54 और SFG की वैल्यू है 6.89। ये SF की वैल्यू है, ये SFG की वैल्यू है। अब SF की वैल्यू जो है 6.54 और X2 SFG की वैल्यू है 6.89। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे X2 की जो भी वैल्यू आएगी, दिस वन इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। सो इन दिस मेथड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन बाय कंपेयरिंग द व्हेन द एंट्रोपी इज कांस्टेंट इनटू द सुपरहीटेड केस S1 इज इक्वल टू द S2। सो दीज आर द सिंपल न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ specific volume, enthalpy, as well as the entropy. But in the typical numerical, we analyze that by which method we apply the formula for the case of superheated steam, for the case of specific volume, specific enthalpy, different processes. अब यही जो numerical है, अब इस numerical को हम दूसरे तरीके से, जो कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट मोलियर डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलियर डायग्राम से अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको जो भी वैल्यूज हैं हम डायरेक्ट उस मोलियर डायग्राम में से चेक कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस दैट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम with the help of Mollier diagram. So in the properties of the steam, that generally it is asked how to calculate the value of dryness fraction, enthalpy, entropy and specific volume. Generally in the thermodynamics, the role of the steam table is very important, because when we study the Rankine cycle, the different types of the numerical in which the cycle process the values of the enthalpy and entropy to be calculated, then the assumptions to be calculated by the help of steam tables. Next is the dryness fraction. Ab dryness fraction, jahan bhi steam wet hogi wahan pe dryness fraction ki zarurat hogi. Usme the wet steam is the steam when the moisture content is to be there. Ab dryness fraction ko hum calculate kaise karte hain? Dryness fraction jo hai, जो स्टीम जिसमें एकदम कोई भी वेट पार्टिकल्स ना हो, और दूसरा जो है ऐसा क्वांटिटी जिसमें वाटर के पार्टिकल्स भी मौजूद हो, तो उन दोनों के जो रेशियो को हम कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ एयर, मतलब एयर के साथ साथ वाटर के भी पार्टिकल्स मौजूद हो। एक चीज और, जनरली ये पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिटलेस। और नेक्स्ट जो है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन के बाद, ड्राइनेस फ्रैक्शन को हम मेजर कैसे करते हैं। जैसे जनरली ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए एक वर्ड जो है ये है डीबीटी और एक है WBT। एक सिंपल जो है टेम्परेचर को हम मेजर किससे करते हैं, थर्मोमीटर से करते हैं। थर्मोमीटर का क्या रोल होता है, थर्मोमीटर रॉड है, उसके नीचे अगर हम सपोज दैट कोई विक, WIC के बोलते हैं विक, अगर हम कोई कॉटन की विक लगा दें और फिर उसके बाद हम टेम्परेचर को मेजर करें, तो जो भी टेम्परेचर होगा स्टीम का या वाटर का, ये विक के ऊपर आएगा और विक से जो टेम्परेचर की स्केल होगी, रीडिंग होगी, वो टेम्परेचर को मेजर कराएगा। तो डीबीटी दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर
और WBT को क्या बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो जब भी हम लोग आगे साइकोमेट्री चार्ट पढ़ेंगे, साइकोमेट्री बेसिकली वी स्टडी द एनालिसिस आर टू कैलकुलेट द क्वालिटी ऑफ द एयर, तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस में WBT और DBT को डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। क्योंकि हम स्टीम के टेम्परेचर से ही पता कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर स्टीम जो है वो वेट स्टीम है कि ड्राई स्टीम है कि सुपरहीटेड स्टीम है। अब इस तीनों DBT WBT के बाद जो हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करते हैं, उसके लिए जो दो इम्पॉर्टेंट मेथड है टू मेजर द ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसके लिए जो मेथड है टू कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन, पहला जो आता है दैट इज ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करने के लिए वो होता है थ्रॉटलिंग, और जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर पहला हो गया थ्रॉटलिंग कैलोरी मीटर, दूसरा सेपरेटिंग कैलोरी मीटर, और जो तीसरा है दैट इज थ्रॉटलिंग एंड सेपरेटिंग कैलोरी मीटर। तो दीज आर द कैलोरी मीटर्स, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द कैलोरी मीटर which are used to measure the dryness fraction. First is the throttling, second is the separating. और दोनों का combination मिला दें तो throttling and separating calorie meter. तो इसके लिए अलग अलग से setup बनाया गया है जिससे हम easily dryness fractions को measure कर सकते हैं. So in this video we discuss that how to calculate the value of enthalpy, entropy and specific volume with the help of using steam table. In the next video, we will discuss about that how to see the steam table and put the value of enthalpy, HF, enthalpy of liquid, HFG, enthalpy of evaporation, and the value of entropy and specific volume for different processes. Our dryness fraction ko jab hum measure karte hain, to ye working principle bhi pucha jata hai. Explain what do you mean by separating calorimeter or what do you mean by throttling calorimeter. So these are the methods to calculate the different dryness fraction. One thing is very important, the value of the dryness fraction. ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन वो ऑलवेज लेसर देन वन। जब भी हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा एक से कम होती है। और दूसरी चीज, अगर स्टीम में वाटर के वेट पार्टिकल्स मौजूद हैं तो हमेशा ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो दिया होगा। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस ओनली दीज टॉपिक्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट एंथैल्पी एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर। अब एक चीज और है कि स्टूडेंट जो है मोलियर डायग्राम से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं और स्टीम टेबल से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जनरली स्टीम टेबल से न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसको एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि एप्रोप्रिएट वैल्यू एंथैल्पी और एंट्रोपी कितनी होगी साइमल्टेनियसली उस केस में। और सेकंड जो है, दूसरा, अगर हम स्टीम टेबल से देखेंगे तो वी हैव टू फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट, देन दिस इज टू बी कैलकुलेटेड बाई द वैल्यू ऑफ डिफरेंट फॉर्मूलाज। ओके।
थैंक यू।